नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं जबलपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। संस्कार धानी में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गैरिसन मैदान में लोगों के बीच उपराष्ट्रपति योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संस्कार धानी पहुंच रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 21 जून को गैरिसन मैदान में हजारों लोगों के बीच उपराष्ट्रपति भी योग करेंगे। योग दिवस को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। संस्कार धानी में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गैरिसन मैदान में लोगों के बीच उपराष्ट्रपति योग करेंगे। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। संस्कार धानी और ऐसे में योग दिवस को लेकर पूरी तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को संस्कार धानी जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। गैरिसन ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। एक विशाल मंच तैयार यहां पर किया गया है। योग दिवस के मौके पर जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्रसारण 40 देशों में एक साथ होगा। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ यहां पर योग के विभिन्न आसन करते आपको हजारों लाखों लोग यहां पर नजर आएंगे। ये भव्य आप जो तैयारियां आगे देख रहे हैं, इस पूरे मैदान में तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों के आने की तैयारियां यहां पर प्रशासन के द्वारा की गई हैं। संस्कार धानी जबलपुर में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज शाम को उपराष्ट्रपति का आगमन जबलपुर हो जाएगा और कल सुबह वो इस कार्यक्रम में शामिल होकर जबलपुर में संस्कार धानी में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। रेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। तो तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुर्गेश ने अभी दिखाया किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। संस्कार धानी जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। योग दिवस का मौका, योग को भारत ने जिस तरीके से दुनिया भर में एक पहचान दिलाई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में योग करेंगे। सीएम योग कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस कार्यक्रम को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखा गया है। गैरिसन मैदान में लोगों के बीच उपराष्ट्रपति योग करेंगे। योग दिवस के मौके पर पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में इसे खास तरीके से मनाया जाता है। हर बार हम देखते हैं कि नए रिकॉर्ड बनते हुए भी नजर आते हैं। और ऐसे में इस बार जबलपुर में भी इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। प्रशासन ने कार्यक्रम की लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली है। गैरिसन मैदान में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश सीधा जुड़ गए हैं। दुर्गेश, संस्कार धानी जबलपुर में योग दिवस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, तैयारियां क्या पूरी हो गई हैं? बिल्कुल, देखिए, जबलपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल जबलपुर पहुंच चुके हैं, जिस समय आरडीवीवी में मौजूद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देश का जो आला नेतृत्व है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर आ रहा है और जबलपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी भव्य तैयारी प्रशासन ने कर ली है। अमर दर्शक जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड की है, जहां पर तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों के एक साथ योग करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ पूरे जबलपुर शहर में
125,000 लोग एक साथ योग करेंगे। 320 जगहों पर योग अभ्यास का कार्यक्रम कल सुबह एक साथ शुरू किया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वर्चुअल संवाद होगा उसके बाद फिर ये योग अभ्यास शुरू होगा। प्रशासन ने पूरी जो तैयारियां की हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां की हुई, क्योंकि 40 देशों में प्रसारण भी होगा जबलपुर के भव्य कार्यक्रम का। गैरिसन ग्राउंड में ये तैयारियां की गई हैं, बड़ी भव्य तैयारियां की गई हैं, क्योंकि 125,000 लोग पूरे शहर में कर रहे हैं और जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर भी तकरीबन 25,000 से 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। पिछले तकरीबन एक महीने से पूरे जबलपुर शहर में जो योग अभ्यास कराने वाले जो टीचर्स हैं, जो ये प्रशिक्षण करता है, वो लगातार लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और हर वर्ग को कर रहे हैं। इसमें किन्नर समुदाय भी खुलकर आगे आया है, बच्चे भी खुलकर आगे आए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग जो है वो हर वर्ग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि एक बड़े लेवल पर यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और इससे लेकर सभी तैयारियां। शुक्रिया आपका दुर्गेश तमाम जानकारी देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खास तैयारियां।